दोस्तों, मैं हूँ सुधांशु। तो ये कहानी है एक राजा और मंत्री की। तो एक राज्य हुआ करता था, वहाँ पे एक राजा और मंत्री। वो राजा मंत्री कम और दोस्त ज्यादा थे। जो भी राजा डिसीजंस लेता था अपने राज्य के लिए, वो मंत्री को पूछ कर लेता था उसका सजेशन कि ये सही रहेगा या नहीं, गलत रहेगा। तो जो तो राजा और मंत्री है, वो बहुत अच्छे दोस्त थे, बिल्कुल भाई समान थे अपने। तो एक बार की बात है, राजा शिकारी की तैयारी कर रहा होता है और राजा अपनी तलवार निकालते टाइम राजा का अंगूठा जो है कट जाता है। तो जैसे ही राजा का अंगूठा कट जाता है, वहां से खून बहने लग जाता है। राजा बौखला जाता है, चिल्लाने लगता है, बोलता है सैनिकों जाओ, तुम वैद्य को लेकर आओ। तो उधर से जो है मंत्री साहब आते हैं, हंसते हंसते आते हैं। राजा बोलता है कि देखो मेरा अंगूठा कटता है। बोलता है महाराज रिलैक्स यार, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा उसके ऊपर चिढ़ जाता है, बोलता है कि मैं तुमको भाई समान मानता था और तुम ऐसे बैकी बैकी से बातें कर रहे हो, मेरा अंगूठा कट गया और तुम बोल रहे हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो सैनिकों को रुका देता है। सैनिकों बोलते हैं तुम वैद्य को बाद में लाओ, पहले इसको ना कारावास में डाल दो और रात भर इसको कोड़े मारते रहना और सुबह होते इसको फांसी दे देना। अब तो सैनिक पैसा ही करते हैं, उसको ले जाते हैं कारावास में बंद कर देते और कोड़े मारते हैं। वो बोलते हैं कि सुबह तुमको फांसी हो जाएंगी। अब राजा जो है अकेला ही शिकार पर निकल जाता है। तो शिकार करते करते जो राजा है जंगल में घुसकर आदिवासियों के इलाके में घुस जाता है और वहां जा करके आदिवासी राजा को पकड़ लेते हैं। अब पकड़ करके उसको आदिवासियों का डांस चल रहा है, हू हा करते हुए, और उसको नहलाते धुलाते। अब बोलते हैं कि इसकी बलि देंगे हम। तो बस बलि देने की तैयारी उनके देवगी के सामने चालू होती है कि जो मुखिया रहता है आदिवासियों का, वो देखता है कि राजा का अंगूठा कटा हुआ है। वो बोलता है कि हम इसकी बलि नहीं दे सकते, ये तो खंडित है, इसको छोड़ दिया जाए। अब राजा जैसे ही छूटता है, वो रोने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है कि बोलते हैं यार मैंने क्या कर दिया, मैंने थोड़े से गुस्से में आकर के बोल दिया कि मेरे दोस्त को, मेरे भाई को, मेरा जो मंत्री है उसको फांसी देने लगा है। वो आता है दौड़ते दौड़ते, फास्ट दौड़ते दौड़ते अपने राज्य में आता है और बोलता है कि देखता है कि बस उसका जो मंत्री है फांसी पे टंगा हुआ है और रस्सी बस खींचने की देरी है। बोलता है रुक जाओ। आता है आकर के मंत्री को सॉरी बोलता है, उसके पैर पकड़ लेता है। अब बेचारा जो मंत्री है रात भर कोड़े खा खा के उसकी हालत तो पतली होती है। अब वो उसी हालत में बोलता है महाराज जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो महाराज बोलता है कि भाई ठीक है, ये बात तो समझ में आती है कि मेरे साथ जो अच्छा, तेरे साथ क्या अच्छा हुआ। मंत्री बोलता है महाराज अगर आपने मुझे कारावास में नहीं डाले होते तो मैं आपके साथ आता। आप तो छूट जाते हैं लेकिन मेरी बलि चढ़ जाती। तो दोस्तों लाइफ में भी ऐसे होता है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। प्रॉब्लम्स इज ऑल अबाउट द लाइफ। प्रॉब्लम्स लाइफ में आते रहेंगे, हर्डल्स लाइफ में आते रहेंगे, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। हर प्रॉब्लम आपको लाइफ में कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है, उससे सीखो और आगे बढ़ो। मिलते दोस्तों एक नई कहानी के साथ।